स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरएस फाइनल डेस्टिनेशन में। अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इसके नए टॉपिक पे जो कि है क्षेत्रमिति का, जिसमें हम बताएंगे आपको इसकी ठोस आकृति के बारे में। अब तक हमने पढ़ा था इसकी समतल आकृतियों के बारे में, जिसमें हमने जाना वर्ग के बारे में, वृत्त के बारे में, उसके बाद आयत के बारे में, समचतुर्भुज के बारे में, समलंब चतुर्भुज के बारे में। तो अब जो हमने ये ठोस आकृति क्षेत्रमिति में आती है, इसमें हम जानेंगे बेलन के बारे में, शंकु के बारे में, गोला के बारे में, घन के बारे में और घनाप के बारे में। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है मेंसुरेशन के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसका फॉर्मूला याद होना। अगर मेंसुरेशन में हमें फॉर्मूले याद होते हैं तो कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जिससे जो कि आपसे छूट जाए। तो मेंसुरेशन में सबसे ज़्यादा जरूरी है उसके फॉर्मूलों को याद करना। तो फॉर्मूले भी इसके ईजिली याद हो जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि जो समतल आकृतियाँ थी उसमें जो बताया गया था सिर्फ उसमें क्षेत्रफल होता था, इसमें क्या होता है आयतन होता है। तो जैसे अब हम बात करते हैं जो इसकी आकृति, जैसे सबसे पहले बात करते हैं बेलन। तो बेलन में की जो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है बेलन का आयतन? पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन का जो पृष्ठ जो होता है, ब्रक पृष्ठ जिसको बोलते हैं, वो होता है टू पाई आर एच। तो इसमें संपूर्ण पृष्ठ भी होता है जो होता है टू पाई आर और r प्लस एच। तो हमें याद हो गया बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है टू पाई आर एच, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो होता है टू पाई आर r प्लस एच। ये याद हो गया बेलन। बेलन के बाद अब फॉर्मूला याद करते हैं शंकु का। शंकु का भी बहुत ईजी है, बस शंकु में इतना होता है इसकी तिर्यक ऊंचाई दी होती है, ये जो बनी हुई है इसकी तिर्यक ऊंचाई है इसकी। तो इसको भी हम जान सकते हैं, ये तिर्यक जो ऊंचाई होती है ये बराबर होती है आपके त्रिज्या का स्क्वायर प्लस इसकी ऊंचाई का स्क्वायर, और ये जो हाइट जो होती है इसकी ये होती है और ये इसकी त्रिज्या होती है। तो इसका अगर हमसे आयतन पूछा जाएगा तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका जो ब्रक पृष्ठ होता है वो होता है पाई आर एल। और एल के बारे में हम पहले ही जानते हैं, एल जो है तिरक ऊंचाई है जो कि बराबर होती है एल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के, और इसका संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो होता है पाई आर और आर प्लस एच। तो हमें शंकु का फॉर्मूला भी याद हो गया कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसका ब्रक पृष्ठ जो होता है पाई आर एल होता है, संपूर्ण पृष्ठ जो होता है पाई आर और आर प्लस एल होता है। तो शंकु पे अगर फॉर्मूले से कोई सवाल हमसे पूछेगा तो हम इजीली निकाल देंगे। अब बात करते हैं गोले की या स्पेयर की। स्पेयर का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। क्या होता है? पाई आर की क्यूब। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इसको स्क्वायर बोल देते हैं, लेकिन याद रखना सबसे ज्यादा यही परेशान करता है, इसका जो आयतन वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, और इसका जो पृष्ठ होता है वो होता है 4πr स्क्वायर। दोनों कंफ्यूजन करते हैं क्योंकि आयतन में इसमें क्यूब आता है और इसके पृष्ठ में स्क्वायर आता है। तो याद रखिएगा कि इसका आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब है और पृष्ठ इसका 4πr स्क्वायर है। इसके बाद करते हैं हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर की ये आपकी होगी आर। तो इसका जो हेमिस्फीयर का जो मतलब अर्धगोले का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर की क्यूब, और इसका में जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, जैसे कि उसमें होता था 4πr स्क्वायर गोले में, और जो अर्धगोले में जो होता है वो होता है 3πr स्क्वायर। तो याद रखना कि इसमें होता कभी ऐसा हो जाए, हम सोचते हैं कि भाई गोले का जो था 4πr स्क्वायर था तो अर्धगोले का क्या होगा 2πr स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें जो गोला जहाँ से हाफ होता है वो भी इसमें ऐड किया जाता है, इसलिए क्या हो जाता है ये 3πr स्क्वायर हो जाता है। तो हमने जाना किसके बारे में? बेलन के बारे में, शंकु के बारे में और स्पेयर गोला के बारे में। अब इसकी दो और आकृतियां हैं जैसे कि घन और घनाभ। इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले घन क्या होता है? घन वो होता है जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। अब घन का जो आयतन होता है वो कितना होता है? घन का जो आयतन होता है वो भुजा की क्यूब होता है। उसके बाद घन का विकर्ण कितना होता है? घन का जो विकर्ण होता है वो होता है √3a। कितना होता है? √3a। और इसका संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो होता है 6a2। इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसा देता है कि एक घन है जिसका संपूर्ण पृष्ठ आपको दिया होगा तो उसका आयतन बताइए। तो देखिए, आपको जब उसका संपूर्ण पृष्ठ दिया होगा तो उससे आप इसकी भुजा निकाल सकते हैं, जब इसकी भुजा निकल जाएगी इजीली आप उसका आयतन भी निकाल सकते हैं। तो मेंसुरेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए, बात करते हैं थोड़ा और पीछे जाते हैं, आपसे कहेगा कि एक बेलन है, बेलन की आपको दे देगा कि पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया आपको। चलो, पृष्ठ क्षेत्रफल में सब कुछ होता है, आर भी होता है, एच भी होता है, कुछ इस तरीके से वैल्यू दे सकता है कि त्रिज्या दे दिया आपको और पृष्ठ क्षेत्रफल भी दे दिया। आपसे पूछेगा हाइट कितनी है तो आप इजीली वैल्यू पुट करेंगे। या कभी कभी ऐसे पूछता है, आपसे कहेगा
कि भाई आयतन दिया है और आपको इसकी हाइट दी है और पूछेगा इसका पृष्ठ बताइए, तो सबसे पहले आप इसका इसकी त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। कहने का मेरा सिर्फ यही मकसद है कि सिर्फ इसमें फॉर्मूले ही अगर आपको याद हैं तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और कोई ट्रिक अगर आपको हम बताएं कि ट्रिक ऐसे लगाते हैं वैसे लगाते हैं तो ऐसी ट्रिक इसमें काम नहीं करेंगी। नॉर्मल फॉर्मूले हैं और फॉर्मूले बेस से ही आपको इजी से इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके घनाभ, जो घनाभ जो होता है उसका आयतन कितना होता है, उसका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 2lb मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा चौड़ाई, मतलब 2lb प्लस bh प्लस hl। उसके बाद इसका विकर्ण क्या होता है, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये तो हुए फॉर्मूले याद करने कि हमने याद कर लिए कि बेलन का है वो पाई आर स्क्वायर एच है, शंकु का है 1/3 πr² है, गोले का है 4/3 πr³ है। इसी प्रकार हमने पृष्ठ भी याद कर लिया कि भाई बेलन का है 2πrh, शंकु का πrl और गोले का 4πr², हमने अर्धगोले का भी याद किया कि इसका 3πr² होता है। ये तो हमने नॉर्मल फॉर्मूले याद किए। अब कैसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, देखिए इसके क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूले बेस होते हैं, सिर्फ क्या करते हैं ये जो इसकी आकृति इमेज है उस इमेज से दूसरी इमेज को बना देते हैं। जैसे शंकु है, कहेंगे कि एक शंकु है जिसका आयतन इतना है, शंकु को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है, तो इससे कितने त्रिज्या के गोले बनाए जा सकते हैं। तो इजी है, आप सबसे पहले क्या रखेंगे कि दोनों का जो आयतन है वो तो बराबर ही होगा ना भाई, किसी भी आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाएगी तो उसका वॉल्यूम तो इक्वल ही होगा। तो आप रख सकते हैं कि भाई जो ये इसका आयतन है 1/3 πr² बराबर गोले का आयतन, जो उससे पूछेगा आप निकाल देंगे कि भाई इसकी रेडियस इतनी है ये इसकी इतनी है, इजीली आप निकाल सकते हैं। किसी से भी दूसरी आकृति बनाई जाएगी तो उसका वॉल्यूम बराबर ही रहेगा क्योंकि चीज तो पिघला के पूरी की पूरी उसी को आकृति दी गई है। हो सकता है कि उसका आकार दूसरा, उसकी त्रिज्या दूसरी बन जाए या उसकी हाइट दूसरी हो जाए, लेकिन उसका जो पूरा वॉल्यूम है वो एक ही रहेगा। समझ में आया आपके? तो इसमें ऐसे ही पूछ लेता है कि भाई एक शंकु है, शंकु से पिघलाकर इतने भुजा वाले मतलब इतनी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, या एक घन को पिघलाकर कितनी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने वृत्त वो गोले बनाए जा सकते हैं। कहने का मेरा सिर्फ यही मतलब है कि आपसे सिर्फ वो इन्हीं फॉर्मूले बेस से सवाल पूछेगा। आपको अगर इसका फॉर्मूला याद है, वैल्यू पुट की वैल्यू पुट करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, ज्यादा ज्यादा कितने सवाल, 1-2 सवाल आता है इसका, 2 या 3 आ जाएंगे मैक्सिमम। तो उसमें आपको अगर फॉर्मूला याद है, वैल्यू रखा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सवाल इसमें पूछे जाते हैं कि एक की वैल्यू रखना उसके बाद सॉल्व कर देना। कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है कि दो बेलन हैं, दो बेलनों की आपको त्रिज्याओं का रेशियो दे देगा कि दो बेलन जिनकी त्रिज्या R1 R2 है तो इनकी ऊंचाइयों का क्या अनुपात होगा, सीधा फॉर्मूले में रखेंगे। ये भी कह सकता है कि एक शंकु है जिसकी ऊंचाई इतनी है, या कह देगा कि एक दो गोले हैं उनकी जो रेडियस इतनी इतनी है तो उनके क्षेत्रफलों का क्या अनुपात होगा। तो मेरा यही मतलब हुआ कि अगर फॉर्मूला याद है सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी जो मेंसुरेशन की क्लासेस हैं वो समाप्त होती हैं। अब इसकी एक क्लास बची है जो ज्योमेट्री से संबंधित है, जिसमें हम बताएंगे कि ज्योमेट्री में जो आपसे एंगल के बारे में पूछेगा तो आप कैसे पता लगाएंगे कि किसका एंगल कितना है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िएगा, जिससे कि हमको भी लगे कि हम आपको फ़ायदा पहुँचाते हैं और उससे हमें भी खुशी होगी कि हम आपको कुछ बता रहे हैं। तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा और दोस्तों को भी जोड़िएगा।